और लोकसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार जारी है। राज्य के बीरभूम में बीजेपी के विजयी जुलूस पर बम से हमला किया गया है। इस हमले का आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इससे पहले कोलकाता में वन मंत्री विनय कृष्ण वर्मन के काफिले पर कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों ने हमला किया था। दरअसल देश में फिर से मोदी सरकार बनने पर कल शाम बीरभूम की सड़कें बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न से गूंज रही थी, लेकिन अचानक से बम फूटा और अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हैरानी की इस बात यह है कि बम से यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। हमले का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा हुआ है। बीरभूमि में टीएमसी की शताब्दी रॉय ने जीत हासिल की थी।